वीरेंद्र चौबे और राजेंद्र सिंह हैं जुमलेबाज। कोल इंडिया के तर्ज पर मिले सेल कर्मचारियों को बोनस। बोकारो के बीएसएल प्लांट के कोक ओवन विभाग में प्रेम कुमार महामंत्री के नेतृत्व में भारतीय इस्पात कर्मचारी संघ ने एनजेसीएस यूनियन और सेल प्रबंधन के खिलाफ। सेल कर्मचारियों को दुर्गा पूजा के अवसर पर मिलने वाला बोनस, 39 महीने का एरियर, नाइट शिफ्ट अलाउंस, यूनियन का चुनाव, कर्मचारियों का सस्पेंशन और तबादला जैसे ज्वलंत मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रेम कुमार ने कहा कि पिछले साल एनजेसीएस की बोनस की मीटिंग में कर्मचारियों को दुर्गा पूजा पर मिलने वाला बोनस का जो फॉर्मूला बनाया गया था वह एनजेसीएस यूनियन के नेतागण को न तो समझ में आया और न ही वह कर्मचारियों को समझा पाए। इसलिए संघ यह मांग करती है कि कोल इंडिया के तर्ज पर नया फॉर्मूला बनाकर सेल कर्मचारियों को बोनस दिया जाए। प्रेम ने कहा कि बीएसएल में एनजेसीएस के लिए यूनियन का चुनाव होना अति आवश्यक है, तभी बीएसएल कर्मचारियों को सही प्रतिनिधित्व मिल पाएगा और कर्मचारियों के मुद्दों का समाधान होगा। उन्होंने आगे कहा कि पिछले फॉर्मूले को दरकिनार करते हुए कोल इंडिया के तर्ज पर नया फॉर्मूला बनाकर कर्मचारियों को बोनस दिया जाए। ठेका श्रमिकों को 25,000 रुपया बोनस और ईएसआई की सारी सुविधाएं दी जाए। विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से वरीय संयुक्त महामंत्री शंभू कुमार, संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र महतो, मुकेश कुमार, आरके श्रीवास्तव, एसके सिंह, प्रियंक राज और चित्र मौजूद थे। क्याची को लेकर बैठक की हम लोगों ने परसों बैठक किया था, उसमें हम लोगों ने 23 तारीख को एनजेसीएस नेताओं का विरोध कर रहे हैं कि एनजेसीएस नेता जो मजदूर का दोहन कर रहे हैं, चाहे कर्मचारी हो चाहे ठेका मजदूर हो, उसको वो बेचने का काम कर रहे हैं, बार बार करते आ रहे हैं, उसको लेकर के हम लोगों ने आज कोकारसी प्लांट के कोकोविन से प्रदर्शन के माध्यम से सेल प्रबंधन को एनजेसीएस नेताओं को बताने के काम किया है कि ये जो तुम्हारी दोहरी चरित्र है और जो तुम मजदूरों को बेचने का काम करते हो वो काम बंद करो, मजदूर विरोधी काम को बंद करो, नहीं तुम्हें बोकारो छोड़ना होगा, अपनी नीति में बदलाव करो, जिसका तुम नेता हो उसी को तुम पोसते हो। पिछले वर्ष हम लोग का 39 महीने करियर के लिए हम लोग बार बार परेशान हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देते हैं, जबकि आपको मालूम ही है कि ये सेल में मजदूरों के हित का रक्षा का जो भी काम होता है या उसके विरुद्ध जो काम होता है एनजेसीएस नेता को सहमति के बिना कुछ भी नहीं होता है। और हमारे एनजेसीएस नेता बार बार दिल्ली दौड़ करके जाते हैं, अपना पॉकेट गर्म करते हैं और चले जाते हैं। उनको तो पिछले साल जब बोनस का फैसला हुआ तो उनको ये तक नहीं मालूम है कि ये किस विधि के तहत, किस नियमावली के तहत, किस फार्मूले के तहत हम लोग का ये बोनस का भुगतान किया गया। इस बार और भी लगा रहे हैं, दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कर्मचारियों के कि हम लोग एरियर दिलवाएंगे 39 महीने का जो कि बकाया है हम लोग का, आपके नाइट अलाउंस का फैसला करवाएंगे, सिर्फ घोषणा ही। उसमें तो खासकर दो हमारे जो नेता हैं एनजेसीएस का, एक हमारे चौबे जी है और दूसरा राजेंद्र सिंह है, ये तो राजेंद्र सिंह तो बयानबाज नेता है, इनको जुमलेबाज नेता हम कहते हैं कि सिर्फ जुमला देना ही इनका काम है। इन्हीं लोग के विरोध में आज हम लोगों ने कोकोविन से प्रदर्शन शुरू किया है, ये मेरा प्रारंभ है और आगे और प्रत्येक डिपार्टमेंट में महाप्रबंधक कार्यालय के पास हम लोग समक्ष विरोध प्रदर्शन करेंगे कि आपका जो 5 तारीख को बैठक है उस बैठक में आप क्या करने जा रहे हैं, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी के बैठक में आप जाकर क्या करेंगे, क्या ढुलमुल तो नहीं है, क्या एक ही बार में आप लोगों ने बोनस के नाम पर फैसला तो नहीं कर लिया है, जिसको लेकर के अभी डेली अखबार बयान देना शुरू कर दिए हैं आप कि 28,100 ही बोनस बनता है, जबकि पिछले बार 40,500 मिला और हम लोग प्रोडक्शन ज़्यादा दिए हैं। तो सिर्फ प्रोडक्शन ज़्यादा देते ही सारा कुछ ज़्यादा कैश कलेक्शन ज़्यादा आता है, जैसे आप लोग को ही मालूम है, उसको लेकर के आप वहाँ हमारी बात को रखते नहीं हैं, अपना जुमलेबाजी यहाँ करते हैं, वहाँ जाकर अपना गोटी सेट करते हैं, भाई भतीजा बात करते हैं, बेटे को नौकरी देते हैं, भतीजा को नौकरी देते हैं, मजदूरों का बेचने का काम कब तक चलेगा। इसलिए रिटायर जितने भी हमारे नेता हैं उनको प्लांट में
घुसने पर प्रतिबंध लगाने का भी हमने प्रबंधन से मांग किया है कि वो ऐसे नेता को जो भी बात करना है एडीएम में जाके बात करें, टॉप मैनेजमेंट से बात करें, प्लांट में जाकर के लोगों को गुमराह करने का ये धंधा छोड़े। इसी को लेकर के हम लोगों ने आज कोको बैंक से प्रारंभ किया है और आगे की जो रणनीति है हम लोग बैठ के बनाएंगे और प्रत्येक विभाग में प्रदर्शन करेंगे, फिर सारे मिलकर के प्लांट के बाहर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन बोनस इस बार कोल के तर्ज पर हमें चाहिए, भीख नहीं चाहिए। हम कोल से ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं। एक समय था कि कोल इंडिया से ज़्यादा हमारा सब कुछ रहता था, कोल इंडिया से बहुत ज़्यादा कम हम लोग का है। उन लोग का मिनिमम 70,000 बोनस है। तो हम लोग कोल इंडिया जो फार्मूला अपना है वही पीएसयू यूनिट है। पीएसयू यूनिट में जो भी फार्मूला लागू उस फार्मूला के तहत हमें बोनस चाहिए, अन्यथा हम लोग विरोध करेंगे आगे जो भी आंदोलन।